दोस्तों, वीडियो हम बात करेंगे क्विक स्वॉप के क्विक कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 52.5 USD पर ट्रेड कर रहा है। रीसेंट ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा करेक्शन इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है और एक अच्छी पॉजिटिव वापस इस कॉइन के अंदर निकल के आई है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, प्रीवियसली एंट्री मिस की है, उनके लिए बात करेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 52.5 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है और कल से अभी तक 6-7% का मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिला है। 4 आवर का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर अगर देखें तो रिसेंटली 2 डे एगो इस कॉइन में अच्छा ब्रेकआउट था, जहाँ पर इसने 41 USD वाले लेवल से डायरेक्टली 63 USD वाला लेवल ट्राई किया, 50% का क्विक पंप देखने को मिला था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 50-52 USD पर पिछले 2 दिनों से स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है। डेली का चार्ट ओपन करें तो रीसेंट जो डंप देखने को मिला था वहाँ पर इस कॉइन ने 40 USD वाला लो बना था। ये एक DeFi प्रोटोकॉल कॉइन है और इस कॉइन में हमने 16 जून को, यानी कि यहाँ से 15 डे एगो हमने एंट्री शेयर की थी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेक्ट से बाहर है कि हमने आपको एंट्री 41.5 USD पर शेयर की थी, जहां पर जो हमारे रेगुलर इन्वेस्टर, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, बाय किया होगा। वीडियो मैंने शेयर किया था, वीडियो के लिंक में मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देखें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको पता चले कि हमारे चैनल के थ्रू कितने इन्वेस्टर जो है, कितने हमारे व्यूअर्स जो है रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस डेट को मैंने आपको, जब इसने 40 USD वाला लो बनाया था और यहाँ पर मैंने 16 जून को एंट्री शेयर की थी 41.5, और अगर आपको सेकंड एंट्री मिलती है तो 39 पर आपको बाय करना है, लेकिन एंट्री नहीं मिली। टारगेट मैंने आपको बताए थे, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट था 50 USD। यहाँ पर अगर देखें तो इसने 50 USD को तो क्रॉस किया ही किया, सेकंड टारगेट भी हिट किया 55 USD। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वालों के दोनों टारगेट इसने अचीव किए, प्रॉफिट बुक किया होगा आपने। शॉर्ट टर्म के लिए 58 USD वाला लेवल टारगेट बताया था और अगर देखें तो 58 को भी इसने ट्राई किया और उसके बाद फिर करेक्शन देखने को मिला। तो आई होप आप में से बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं, हमारी फैमिली के मेम्बर हैं, उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अब करेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। ओवरऑल ये कॉइन बुलिश है और जिन लोगों ने एंट्री मिस की थी, एंट्री नहीं ली थी, उनके लिए मैं वापस से अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपडेटेड लेवल्स बता रहा हूँ कि अगर आप एंट्री मिस की है तो अभी भी चांसेस है इस कॉइन में। कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊँगा। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 48 USD वाला जो लेवल है वो इस कॉइन के लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिसको इसने अभी मेंटेन किया हुआ है। उससे ऊपर हमें पिछले 5-6 दिनों की डेली क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है और अभी उससे ऊपर ट्रेड भी कर रहा है ये कॉइन। अभी अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 58 USD वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको इसने अभी ब्रेक किया था, ट्राई किया था, लेकिन उससे नीचे ही डेली क्लोजिंग देखने को मिली। दो तीन बार ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। अभी 62 वाले लेवल से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 18% का करेक्शन इस कॉइन में देखने को मिल रहा है, लेकिन BTC की अगर बात करें, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की बात करें, तो बैक टू बैक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कॉइन्स में बैक टू बैक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कोई कॉइन 40% मूव कर रहा, कोई कॉइन 30% मूव कर रहा, कोई 70% मूव कर रहा है, लेकिन कुछ कॉइन्स में अपोस्टी है। जैसे आज भी हमने कुछ कॉइन आपको शेयर किए थे, अभी BTC की अगर बात करें तो 30,500 का अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस कॉइन में भी यहाँ से वापस चांसेस हैं कि ये अच्छे खासे लेवल को ट्राई करें, क्योंकि इस कॉइन में जैसे यहाँ पर अगर देखें दिसंबर मंथ के बाद 44 USD वाले लेवल से बैक टू बैक मूवमेंट हुआ था और 150 USD वाला लेवल इस कॉइन ने ट्राई किया था और उसके बाद भी अच्छे लेवल को इस कॉइन ने मेंटेन किया हुआ था। बीच बीच में ब्रेकआउट्स भी हमने देखे थे, तो यहाँ पर भी 40 USD पर प्राइस आ गई थी। नॉर्मल रिकवरी है, हो सकता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें, अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए जिसमें ये 80-90 USD को ट्राई कर लें,
दूसरी चीज़, इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ हम बाई करेंगे तो यहाँ से प्राइस डंप हो जाएगी। यहाँ से प्राइस डंप होने के बहुत कम चांसेस है। कोई मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है, या किसी कॉइन से रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल के आ जाती है, पर्टिकुलर कॉइन जो हम बाय करते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब एंट्री की अगर बात करें तो 52.5 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। आपको 52 USD यानी कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यानी 2% नीचे 52 USD पर एंट्री लेनी है। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी अमाउंट आप इस कॉइन में लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन और होता है, प्राइस थोड़ी बहुत ड्रॉप और होती है, तो आपको सेकेंड एंट्री 48 USD पर लेनी है, जो रहेगी आपकी बाकी 30% पार्ट से। इस टाइप से 70-30 के रिसम आपको 52 और 48 USD पर एंट्री लेनी है। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे ना कि क्विक प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 65 USD वाला लेवल, जहां पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना है। जितने टोकन आप बाई करेंगे उसके 60% टोकन आपको 65 USD पर सेल करना है। उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 70 USD वाला लेवल, जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो आपको सेल आउट करना है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ बाइंग की और सेल टारगेट की, ये एज इट इज़ जो भी रेशियो है 70-30 के रेशो में बाई करना है और 60-40 के रेशो में सेल करना है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनके लिए 74 USD वाला लेवल टारगेट रहेगा। देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ इस कॉइन को 58 USD वाला रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद नेक्स्ट 70 USD वाला रेजिस्टेंस एरिया फेस करने को मिलेगा। तो 70 को ट्राई करेगा ये, तो डेली क्लोजिंग 70 से अगर नीचे भी करता है, लेकिन ये 74, 75, 78 को भी ट्राई कर सकता है। तो इस टाइप से आपको 74 USD वाला लेवल टारगेट रखना है, वहाँ के सेल लिमिट लगा देनी है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी आपकी लोवेस्ट एरिया पर एंट्री आपने लेने वाले हैं, बहुत लोवेस्ट एरिया पर ये कॉइन मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म में बाई करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन के थ्रू देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएँ, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएँ। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज सॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, और जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, एक स्पोर्ट की मेंबरशिप है, एक फ्यूचर्स की मेंबरशिप है, तो दोनों के लिए आप इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी यहाँ पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।